अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 100 ml ऑफ 80% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड टू रिड्यूस इट टू 50% सॉल्यूशन। ए 30 ml, बी 40 ml, सी 50 ml, डी 60 ml। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितना पानी हम ऐड करें 100 ml का सॉल्यूशन जो है। ठीक है, एक 100 ml का बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है। ठीक है, 100 ml बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बोरिक एसिड सॉल्यूशन में क्या है, 100 ml है, उसमें 80% क्या है, बोरिक एसिड है। ठीक है, तो 100 ml में 80 ml कितना होगा, बोरिक एसिड होगा। 20 ml क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, तो ये 80% जो है इसको रिड्यूस करके क्या बोल रहा है, 50% सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, उसमें पानी मिला के उसको न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, न्यूट्रलाइज मतलब उसको थोड़ा सा कम एसिडिक करना है। ठीक, तो हमें उसमें पानी कितना ऐड करना है यही हमें बताना है। तो यहाँ 100 ml बोरिक एसिड है, इसमें 80% बोरिक एसिड है। ठीक है, तो 80% बोरिक एसिड मतलब 80 ml बोरिक एसिड हो गया, और वाटर कितना बच गया, 20 ml। 100 ml में अगर 80 ml बोरिक एसिड है तो 20 ml जो बचा होगा वो वाटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पानी संख्या ऐड करना है। ठीक है, तो पानी संख्या ऐड करनी है तो हम क्या किस में ऐड करेंगे, पानी में। ठीक है, तो पूरे सॉल्यूशन में ऐड करें तो मीन्स पानी की संख्या क्या हो जाएगी, अगर हम वाटर जो एडेड है उसको एक्स एम एल मान लेते हैं। ठीक है, एक्स एम एल हमें ऐड करना है, तो एक्स प्लस 20 पूरा पानी की संख्या कितनी एम एल है, अपॉन पूरे सॉल्यूशन की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो पूरे सॉल्यूशन में भी वो ऐड होगा, अगर पानी की संख्या एक्स प्लस 20 हो जाएगी तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 100। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन भी तो उतना बढ़ेगा एक्स से, है ना। तो परसेंटेज जब निकालेंगे तो टोटल वाटर अपॉन टोटल सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन का कितना प्रतिशत पानी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 50% सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 50% दिया है, तो इसमें हमें ये नहीं देखना है कि वाटर का सॉल्यूशन करना है, कि वैसे तो ये बोल रहे 80% सॉल्यूशन से 50% पे इसको लेके आना बोरिक एसिड के सॉल्यूशन को 50% पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 50% वाटर होगा, अगर 50% एसिड में लाना है तो 50% वाटर भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि 20% वाटर था, तो 20% से बढ़ा के उसको 30% पे करना है। तो यहाँ पे हमारा 50% क्या है, ये वाटर है। ठीक है, 50, तो यहाँ पे हम जो परसेंटेज निकालेंगे इसको हम इक्विवेलेंट करना है वाटर के परसेंटेज के, तो 50% हमारा वाटर का कंटेंट प्रतिशत इस सॉल्यूशन में हो गया, एक्स प्लस 20 अपॉन एक्स प्लस 100। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 100x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये 100 इस तरफ चला गया 50 के नीचे, तो 50 अपॉन 100, 100x प्लस 2000 इजिकल टू 50x प्लस 5000। फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए तो 50x इजिकल टू 3000, x इजिकल टू 60 ml, आपका ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आप दूसरे क्वेश्चंस भी आप जिसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता है कि इसमें ये 50 का जो मैं बता रहा था 50% क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे 50% वाटर है। ठीक है, हमने एसिड का 50% नहीं लिया, ये 50% ऑफ वाटर है, क्योंकि हम प्रतिशत यहाँ पानी का निकाल रहे हैं टोटल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किसका आप निकाल रहे हैं, पानी का प्रतिशत निकाल रहे हैं तो आपको पानी का प्रतिशत के बराबर इसको करना है। ठीक है, अगर एसिड ऐड कर रहे हैं तो आपको एसिड के प्रतिशत के बराबर इसको यहाँ पे करना है। ठीक है, इस तरफ अगर एसिड ऐड करते हैं तो आपको एक्स प्लस 80 इजिकल टू यहाँ पे एसिड का 50 होता। ठीक है, तो अगर हम एसिड ऐड करते तो, हालांकि क्वेश्चन में हमें पानी ही ऐड करने के लिए बोला तो हम पानी ही ऐड करेंगे, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।